सो हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सिंज क्रिएशन गाइस। तो आज की वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए कुछ इस तरह का मल्टीपल कलरफुल फंड्स, जैसे कि इंटरफेस में देख ही रहे होंगे इस तरह का आपको आज मल्टीपल कलरफुल फंड्स डीपी एडिटिंग करना सिखाएंगे फ्रेंड्स। तो वीडियो पर जो है एंड तक बने रहेगा। अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिए, चैनल पर नए तो चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बगल में जहाँ बेल आइकन घंटी है उसको भी आप सेलेक्ट कर लीजिए गाइस, ताकि हमारे अगले आने वाले लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन जो है सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। तो चलो फ्रेंड्स चलते हैं आज की वीडियो की ओर विदाउट वेस्टिंग टाइम। तो सबसे पहले हमको चले जाना है अपने पिक्सल ऐप की ओर, और पिक्सल ऐप में आ जाने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं न्यू टेस्ट का जो ऑप्शन मिलेगा, सिंपली हमको यहाँ से कर लेना है प्रेस। और प्रेस करने के बाद हमको यहाँ से इसको जो है पहले रिमूव कर लेना है, और रिमूव कर लेने के बाद कैपिटल लेटर में हमको पी लिख लेना है, ठीक है। उसके बाद हमको यहाँ से ओके पे प्रेस कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर नीचे में देख सकते हो सेकंड नंबर पर हमको ये ए वाला आइकन मिलेगा, तो सिंपली हमको यहाँ से कर लेना है प्रेस। और प्रेस करने के बाद हमको आगे इंस्टॉल कर लेना है। आगे इंस्टॉल करने के बाद हमको यहाँ पर फंड वाला ऑप्शन मिलेगा, तो सिंपली हमको यहाँ से कर लेना है प्रेस। और रिसेंट में मैंने यूज़ किया था, इस फंड का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे फ्रेंड्स, वहाँ से आप जो है जाकर इजीली डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद जो है हमको ना साइज़ वाले ऑप्शन पर आ जाना है, और साइज़ हमको पूरा इंक्रीज कर लेना है, ठीक है। उसके बाद हमको यहाँ पर करना क्या है गाइस, अपने हिसाब से हम जो है और इसको जो है सेटअप कर लेंगे, थोड़ा इंक्रीज कर लेंगे, ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ से मैं और थोड़ा छोटा कर लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद सिंपली हम इसको जो है लॉक कर लेंगे, जस्ट इसका कॉपी लेयर बना लेंगे, ठीक है। और कॉपी लेयर बना लेने के बाद हमको यहाँ से जो है स्मॉल लेटर में प्रीति लिख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमको जो प्रीति लिख लेना है, ठीक है। तो यहाँ से हम इसको जो है सेटअप कर लेंगे कुछ इस तरह से, ठीक है। तो इस तरह से हमको इसको जो है सेटअप कर लेना है। तो वीडियो पर एंड तक बने रहिएगा गाइस, स्टेप टू स्टेप फॉलो करिएगा, ठीक है। कोई भी स्टेप जो है मिस ना करिएगा, ठीक है। इतना करने के बाद हमको यहाँ से लॉक कर लेना है, और यहाँ पर नीचे में देखते हमको ये वाला आइकन मिलेगा, तो सिंपली हमको यहाँ से कर लेना है प्रेस, और दोनों को हमको राइट पर प्रेस कर लेना है, ठीक है। उसके बाद हमको यहाँ पर मर्ज वाला ऑप्शन मिलेगा, तो सिंपली हमको यहाँ से कर लेना है प्रेस, और यहाँ से हमको कर लेना है ओके, ठीक है। तो हमारा सिंगल लेयर हो जाएगा, ठीक है गाइस। उसके बाद हमको यहाँ से अपने हिसाब से इसको जो है सेटअप जमा लेना है, ठीक है। तो यहाँ से मैं इसको जो है सेटअप कर लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद करने का है गाइस, हमको यहाँ से इसको जो है लॉक कर लेना है, ठीक है। और लॉक करने के बाद हमको यहाँ पर नीचे में टेस्ट वाला ऑप्शन मिलेगा, तो सिंपली हमको यहाँ से कर लेना है प्रेस। और प्रेस करने के बाद हमको यहाँ से इसको जो है रिमूव कर लेना है, उसके बाद कैपिटल लेटर में हमको पी लिख लेना है, ठीक है। उसके बाद हमको यहाँ से ओके पे प्रेस कर लेना है। उसके बाद हमको आगे इंस्टॉल कर लेना है फ्रेंड्स, और यहाँ पर फंड वाला ऑप्शन मिलेगा, तो सिंपली हमको यहाँ से कर लेना है प्रेस। और रिसेंट में मैंने यूज़ किया था, इस फंड का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा फ्रेंड्स, वहाँ से आप जो है जाकर इजीली डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर फिटिंग वाले ऑप्शन पर आ जाना है, और फिटिंग थोड़ा इस तरह से इंक्रीज कर लेना है, ठीक है। उसके बाद हमको साइज़ वाले ऑप्शन पर आ जाना है, और साइज अपने हिसाब से आप जो है इंक्रीज कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद हमको यहाँ से इसको जो है स्टॉक इनेबल कर लेते हैं, ठीक है। तो स्टॉक हमको यहाँ से इनेबल कर लेना है, और इसको हमको 4K राउंड रख लेना है, ठीक है। उसके बाद हमको यहाँ से इस तरह से रोटेट कर लेना है, और हमको यहाँ से इसको जो है सेटअप कर लेना है कुछ इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पर मैं साइज़ थोड़ा छोटा कर ले रहा हूँ गाइस, आप जो है वीडियो पर एंड तक बने रहिएगा, स्टेप टू स्टेप फॉलो करिएगा, तभी जो है आप इस तरह की एडिटिंग सीख पाओगे, ठीक है। तो यहाँ से मैं इसको जो है इस तरह से सेटअप कर लूँगा, ठीक है। तो सेम प्रोसेस स्टेप टू स्टेप फॉलो करिएगा गाइस, तभी जो आप इस तरह का डीपी एडिटिंग करना सीख पाओगे, ठीक है। तो सिंपली हम इसको लॉक कर लेंगे, जस्ट इसका कॉपी लेयर बना लेंगे, ठीक है। और कॉपी लेयर बनाने के बाद हमको राइट साइड इसको जो है किस तरह से रोटेट कर लेना है, ठीक है। और सेम प्रोसेस हमको यहाँ से इसको जो है राइट साइड भी एडजस्ट कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ से मैं इसको जो है एडजस्ट कर ले रहा हूँ, आप जो वीडियो पर एंड तक बने रहिएगा, स्टेप टू स्टेप फॉलो करिएगा गाइस। तो यहाँ से हमको जो है इसको कुछ इस तरह से सेटअप कर लेना है, ठीक है। उसके बाद सिंपली हम इसको लॉक कर लेंगे, जस्ट इसका कॉपी लेयर बना लेंगे, ठीक है। और कॉपी लेयर बना लेने के बाद हमको यहाँ से इसका जो है स्टॉक जो है डिसेबल कर लेना है, ठीक है। उसके बाद हमको यहाँ से जो है पी को हटाकर हमको बी डाल लेना है, ठीक है। उसके बाद हमको यहाँ से ओके पे प्रेस कर लेना है, ठीक है। इतना कर लेने के बाद गाइस, हमको यहाँ से इसका जो है थोड़ा इंक्रीज कर लेना है, ठीक है, साइज़ वाले ऑप्शन पर आ जाने के बाद। और यहाँ से हमको कुछ इस तरह से इसको जो है सेटअप कर लेना है, ठीक है। उसके बाद हमको लॉक कर लेंगे, जस्ट इसका कॉपी लेयर बना लेंगे, ठीक है। और कॉपी लेयर बना लेने के बाद सेम प्रोसेस हमको यहाँ पर भी इसको जो है इस तरह से फिल कर लेना है, ठीक है। उसके बाद हमको इसको जो है लॉक कर लेंगे, ठीक है गाइस। और लॉक करने के बाद हमको यहाँ पर देख सकते हो ये वाला आइकन मिलेगा, तो सिंपली हमको यहाँ से कर लेना है प्रेस। और प्रेस करने के बाद हमको यहाँ पर मर्ज वाला ऑप्शन मिलेगा, तो सिंपली हमको यहाँ से कर लेना है प्रेस, और सभी को जो हमको जो है राइट पे क्लिक कर लेना है, ठीक है। उसके बाद हमको यहाँ से देख सकते हो मर्ज वाला ऑप्शन मिलेगा, तो सिंपली हमको यहाँ से कर लेना है प्रेस, और यहाँ से हमको ओके कर लेना है, ठीक है गाइस। अब ओके कर लेने के बाद हमको यहाँ पर नीचे में देख सकते हो आगे इंस्टॉल करने के बाद हमको इरेजर का ऑप्शन मिलेगा, ठीक है, ये वाला। सिंपली हमको यहाँ से कर लेना है प्रेस, और इसको जो है इनेबल कर लेना है, ठीक है गाइस। इतना करने के बाद हमको यहाँ से देखते हो वन का ऑप्शन मिलेगा, तो सिंपली हमको यहाँ से कर लेना है प्रेस। और जो हमारा सेकंड वाला ऑप्शन है पूरे इसको लेफ्ट साइड इंस्टॉल कर लेना है, ठीक है। उसके बाद हमको यहाँ से जो है ओके पे क्लिक कर लेना है, ठीक है। उसके बाद हमको यहाँ पर देख सकते हैं नीचे में हमको टॉलरेंस का जो ऑप्शन मिलेगा ये वाला, इसको हमको पूरा 17K राउंड कर लेना है, ठीक है। उसके बाद हमको यहाँ से राइट पे क्लिक कर लेना है। उसके बाद हमको यहाँ पर नीचे में फोर्थ नंबर पर हमको ये वाला आइकन मिलेगा, तो सिंपली हमको यहाँ से कर लेना है प्रेस। और प्रेस करने के बाद हमको यहाँ पर ट्रांसपेरेंट का ऑप्शन मिलेगा सेकंड नंबर पर, तो सिंपली हमको यहाँ से कर लेना है प्रेस। उसके बाद हमको यहाँ से अपने गैलरी में ले जाना है, तो यहाँ से हमको इस वाले आइकन पर कर लेना है प्रेस। और यहाँ से हमको देख सकते हैं सेव एज इमेज का जो ऑप्शन मिला है, सिंपली हमको यहाँ से कर लेना है प्रेस।
और यहाँ इतना कर लेने के बाद हमको यहाँ पर देखते हैं डिफॉल्ट का जो ऑप्शन मिलेगा, तो सिंपली हमको यहाँ से कर लेना है प्रेस, और यहाँ से हमको जो है अल्ट्रा जो है सिलेक्ट कर लेना है, उसके बाद हमको यहाँ से सेव टू गैलरी कर लेना है गाइस। ठीक है, तो ये हमारा गैलरी में सेव हो जाएगा। तो जैसे कि देख ही सकते हो ये हमारा गैलरी में ऑलमोस्ट सेव हो चुका है। तो सिंपली हमको यहाँ से चले जाना है बैक, ठीक है, और बैक चले जाने के बाद जो हमको जो है अपना फोटोशॉप ओपन कर लेना है, और ओपन कर लेने के बाद हमको कुछ इस तरह का इंटरफेस होगा गाइस। तो जैसे कि देख ही सकते हो हमको यहाँ पर नीचे में दो ऑप्शन मिलेगा, ठीक है, तो हमको यहाँ पर फर्स्ट वाला ऑप्शन पर कर लेना है प्रेस, ठीक है। उसके बाद हमको यहाँ से फोटो लाइब्रेरी का ऑप्शन मिलेगा, ठीक है गाइस। तो सिंपली हमको यहाँ से कर लेना है प्रेस, और प्रेस करने के बाद हमको यहाँ से कोई भी एक पिक जो है उठा लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम जिस पिक को एडिट करना है उस पिक में हम जो है एक पिक ले लेते हैं कोई से भी, ठीक है। तो यहाँ से मैं ये वाला पिक ले लेता हूँ गाइस, ठीक है। उसके बाद हमको यहाँ से जो है देख सकते हो ये नीचे में हमको ये वाला में एक ऑप्शन मिलेगा, तो सिंपली हमको यहाँ से कर लेना है प्रेस। उसके बाद हमको यहाँ पर राइट साइड कॉर्नर में हमको प्लस वाला आइकन मिलेगा, सिंपली हमको यहाँ से प्रेस कर लेना है गाइस। उसके बाद हमको यहाँ से फोटो लेयर का ऑप्शन मिलेगा, सिंपली हमको दो बार कंटिन्यू इस पर प्रेस कर लेना है, ठीक है। उसके बाद जो हम ट्रांसपेरेंट कहते पिक्सल ऐप से उसको हमको सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ से मैं इसको जो है सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद हमको यहाँ से इसको जो है कुछ इस तरह से सेटअप कर लेना है गाइस। उसके बाद सिंपली हम इसको जो है राइट पे क्लिक कर लेना है, ठीक है। उसके बाद हमको यहाँ से देख सकते फिर से राइट साइड कॉर्नर में हमको प्लस वाला आइकन मिलेगा, तो सिंपली हमको यहाँ से कर लेना है प्रेस, और इस बार हमको जो है डुप्लीकेट लेयर बना लेना है, ठीक है गाइस। तो यहाँ से हमको दो लेयर बनाना है, तो दो बार हम प्रेस करेंगे उसके बाद ये हमारा दो लेयर बन जाएगा, तो ठीक है। प्रेस कर लेते हैं 1 2 3, ठीक है, ये हमारा 3 लेयर हो चुका है। उसके बाद हमको यहाँ से कर लेना है डन, ठीक है। उसके बाद हमको यहाँ से फर्स्ट लेयर से रहकर हमको चले जाना इस वाले आइकन पर, ठीक है। इस वाले आइकन पर आ जाने के बाद हमको यहाँ से देखते थे इन्वर्ट का जो ऑप्शन मिलेगा, तो सिंपली हमको यहाँ से कर लेना है प्रेस। अब इसका ब्लेंडिंग मोड चेंज कर लेना है गाइस, तो हमको सिंपली जो है इस वाले आइकन पर आ जाना है, ठीक है। इस वाले आइकन पर आ जाने के बाद हमको यहाँ से देखते थे नॉर्मल का ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। तो सिंपली हमको यहाँ से कर लेना है प्रेस, और प्रेस करने के बाद हमको यहाँ पर देखते थे स्क्रीन का जो ऑप्शन मिलेगा, सिंपली हमको यहाँ से कर लेना है प्रेस। उसके बाद देख सकते हो गाइस हमको यहाँ से सेकंड लेयर ऑप्शन जो है सेलेक्ट कर लेना है, तो सेकंड वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेने के बाद हमको जो है चले जाना है इफेक्ट्स वाले ऑप्शन पर, ठीक है। इफेक्ट्स वाले ऑप्शन पर आ जाने के बाद हमको यहाँ पर देखते हैं ड्रॉप शैडो का ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। तो सिंपली हमको यहाँ से कर लेना है प्रेस, और प्रेस करने के बाद हमको एंगल का ऑप्शन मिलेगा, तो एंगल हमको 135 के राउंड कर लेना है, ठीक है। उसके बाद हमको कलर जो है ब्लैक ही रहने देना है, और ब्लर जो है 8 के राउंड ही रहने देना है, ठीक है। उसके बाद डिस्टेंस हमको चेंज कर लेना है, जो 4 है उसको हमको 5 के राउंड कर लेना है, और राइट पर क्लिक कर लेना है, और इधर भी राइट पर क्लिक कर लेना है, ठीक है। उसके बाद करने का है गाइस इसका जो है ब्लेंडिंग मोड चेंज कर लेना है, तो सिंपली हमको इस वाले आइकन पर आ जाना है, ठीक है। इस वाले आइकन पर आ जाने के बाद हमको यहाँ पर देख सकते हैं नॉर्मल का ऑप्शन मिलेगा, तो सिंपली हमको यहाँ से कर लेना है प्रेस, और प्रेस करने के बाद हमको यहाँ पर देख सकते हो मल्टीप्लाई का जो ऑप्शन मिलेगा, तो सिंपली हमको यहाँ से कर लेना है प्रेस। उसके बाद हमको जो है अपना थर्ड लेयर सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है, और थर्ड लेयर सेलेक्ट करने के बाद चले जाना है हमको इफेक्ट्स वाले ऑप्शन पर, ठीक है। इफेक्ट्स वाले ऑप्शन पर आ जाने के बाद हमको इस बार जो है बेवल वाला सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। बेवल हमको सिलेक्ट कर लेना है, और यहाँ से देख सकते हैं इसका ब्लर का ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। तो ब्लर हमको 21 के राउंड कर लेंगे, ठीक है, राइट पे क्लिक कर लेंगे। उसके बाद हमको यहाँ से एंगल का ऑप्शन मिलेगा सेकंड नंबर पर, ठीक है। एंगल को हमको 145 के राउंड कर लेंगे गाइस, ठीक है। उसके बाद हमको यहाँ पर आ जाना है कलर वाले ऑप्शन पर, ठीक है। तो कलर को हमको जो है ब्लैक कर लेना है सिलेक्ट। उसके बाद हमको डिस्टेंस का ऑप्शन मिलेगा, तो डिस्टेंस हमको 16 के राउंड कर लेना है, राइट पे क्लिक कर लेना है, ठीक है। उसके बाद हमको इधर भी राइट पे क्लिक कर लेना है। उसके बाद हमको चले जाना है इफेक्ट्स वाला ऑप्शन, और यहाँ से बेवल, ठीक है। तो यहाँ से कंटिन्यू हमको 3 बार जो है बेवल जो है सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है गाइस। उसके बाद हमको इसका जो है ब्लेंडिंग मोड चेंज कर लेना है, तो सिंपली हमको इस वाले आइकन पर आ जाना है, ठीक है। इस वाले आइकन पर आ जाने के बाद हमको यहाँ पर देख सकते नॉर्मल का ऑप्शन मिलेगा, तो सिंपली हमको यहाँ से कर लेना है प्रेस, और यहाँ से हमको जो है लाइट टन जो है सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। अब इतना कर लेने के बाद हमको जो है करना क्या है गाइस, हमको सेकंड लेयर पर आ जाना है, ठीक है। और सेकंड लेयर पर आ जाने के बाद हमको कुछ इस तरह से जो है पिक्सल सेलेक्ट कर लेना है, और उसके बाद हमको यहाँ से प्लस मोड लगा लेना है, ठीक है। और प्लस मोड लगा लेने के बाद हमको कुछ इस तरह से सिलेक्ट कर लेना है पिक्सल। उसके बाद हमको चले जाना एंड वॉल ऑप्शन, ठीक है। उसके बाद हमको यहाँ से फिल स्टॉक, ठीक है। तो यहाँ से हम जो हमको कलर चेंज कर लेना है, तो सिंपली कलर वाला ऑप्शन पर आ जाना है, और कलर हमको इसको जो है पिंक सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। राइट पर क्लिक कर लेना है, उसके बाद हमको ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद प्लस मोड, और यहाँ से पिक्सल सेलेक्ट, ठीक है। एंड वाला ऑप्शन फिल स्टॉक, और यहाँ से हमको कलर चेंज कर लेना है, तो कलर हमको रेड कर लेना है, ठीक है। रेड पे क्लिक कर लेना है, उसके बाद हमको ये वाला सेलेक्ट कर लेना है, और यहाँ से हमको पिक्सल सेलेक्ट कर लेना है। एंड वाला ऑप्शन फिल स्टॉक, और यहाँ से हमको कलर, तो कलर हमको ग्रीन कर लेना है। प्लस मोड हटा लेना है, और यहाँ से ये वाला पिक्सल सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद हमको एंड वाला ऑप्शन फिल स्टॉक, और यहाँ से हमको कलर, तो कलर हम ये वाला सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद हमको यहाँ से आई वाले ऑप्शन पर आ जाना है, और सिंपली प्लस मोड लगा लेते हैं, और यहाँ से ये वाला सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हमको यहाँ से कलर दे देना है ग्रीन कलर, ठीक है। प्लस मोड हटा लेना है, ठीक है। इसके बाद करने का है गाइस हमको ये वाला ऑप्शन पर आ जाना है, और यहाँ से हमको सिलेक्ट कर लेना है, तो इसको हमको कलरफुल कर लेना है, ठीक है। उसके बाद हमको यहाँ से
ये वाला ऑप्शन, ठीक है। तो यहाँ से भी हमको फ्री स्टॉक और यहाँ से हम इसको कलर दे देंगे, कोई सा भी एक कलर, चलो एक कलर दे देते हैं, ठीक है। उसके बाद हमको यहाँ से ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना और यहाँ से इसको भी कलर दे देना है, ठीक है। तो यहाँ से हम इसको जो है पिंक कलर दे देते हैं, ठीक है। इसके बाद करने का है गाइस, तो जितना भी हमको कलरफुल करना है वो सेकंड लेयर से ही करना है, ठीक है। याद रखिएगा, ये चीज़ें भूलेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से हमको ये फ्रंट वाला ऑप्शन पर आ जाना है और यहाँ से हमको जो है कलरफुल इसको कर लेते हैं गाइस। तो यहाँ से हमको जो है ये कलर सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। और यहाँ से हमको जो है कोई सा भी एक कलर ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमको इसको रेड कलर कर लेते हैं और यहाँ से हमको जो है इसको जो है कर लेना है पिंक कलर, ठीक है। तो कोई सा भी एक कलर जो है आप उठा लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ से हमको जो है फिल स्टॉक और यहाँ से हमको पिंक कलर, ठीक है। तो यहाँ से हम इसको जो है कोई सा भी एक कलर ले लेते हैं, अब जो हमको ये वाला कलर ले लेना है, ठीक है। उसके बाद हमको यहाँ से लास्ट वाला और यहाँ से भी हमको कोई सा भी एक कलर जो है उठा लेना है, ठीक है। तो यहाँ से हमको ग्रीन उठा लेंगे, ठीक है। उसके बाद हमको यहाँ से इसको जो है पिक्सल हमको रिमूव कर लेना है गाइस, ठीक है। और रिमूव कर लेने के बाद हमको जो है चले जाना फर्स्ट वाले लेयर पर, ठीक है। और फर्स्ट लेयर पर आ जाने के बाद हमको चले जाना एफएक्स वाले ऑप्शन पर, ठीक है। एफएक्स वाले ऑप्शन पर आ जाने के बाद हमको यहाँ से देख सकते हैं ग्लो का जो ऑप्शन मिलेगा फाइव नंबर पर, सिंपली हमको यहाँ से कर लेना है प्रेस। और प्रेस करने के बाद गाइस हमको यहाँ पर देख सकते ब्लर का ऑप्शन मिलेगा, तो ब्लर हमको 0.9 के अराउंड कर लेना है, ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद हमको यहाँ से राइट पे क्लिक कर लेना है, ठीक है। और राइट पे क्लिक करने के बाद हमको यहाँ पर देखते हो कलर का ऑप्शन मिलेगा, तो कलर हमको जो है यहाँ पर वाइट सेलेक्ट कर लेना है, राइट पे क्लिक कर लेना है, ठीक है। उसके बाद करने का है गाइस हमको यहाँ पर जो है राइट साइड कॉर्नर में हमको प्लस वाला आइकन मिलेगा, तो सिंपली हमको यहाँ से कर लेना है प्रेस, ठीक है। और प्रेस करने के बाद जो हमारा फर्स्ट लेयर वाला है उसका जो है एक डुप्लीकेट लेयर बना लेंगे, ठीक है। उसके बाद हमको जो है अपना सेकंड लेयर सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। और सेकंड लेयर का भी हमको एक जो है डुप्लीकेट लेयर बना लेना है, ठीक है। उसके बाद हमको यहाँ से जो है लास्ट लेयर जो है सेलेक्ट कर लेंगे और इसका भी एक जो है डुप्लीकेट लेयर बना लेंगे गाइस, ठीक है। तो सभी का जो है डुप्लीकेट लेयर बना लेना है, ठीक है। उसके बाद हमको यहाँ से कर लेना है डन, ठीक है। और डन कर लेने के बाद गाइस हमको यहाँ पर करना क्या है, हमको पिक वाले ऑप्शन पर कर लेना है सिलेक्ट, ठीक है। उसके बाद हमको करने का है यहाँ पर चले जाना है इफेक्ट्स वाले ऑप्शन पर, ठीक है। और इफेक्ट्स वाले ऑप्शन पर आ जाने के बाद हमको गजियन ब्लर का जो ऑप्शन मिलेगा, ठीक है, ये वाला फर्स्ट नंबर पर। तो सिंपली हमको यहाँ से कर लेना है प्रेस। और प्रेस करने के बाद हमको यहाँ से जो है अपने हिसाब से आप जो है ब्लर जो है बैकग्राउंड कर सकते हो, ठीक है। यहाँ से हमको जो है 20 या 30 कर लेना, तो 30 के राउंड कर लेते हैं, ठीक है। राइट पे क्लिक कर लेना है, उसके बाद देख सकते हैं हमारा ब्लर वाला जो ऑप्शन है बैकग्राउंड वाला वो जो है पूरा ब्लर हो चुका है। तो देख सकते हैं बनने के बाद गाइस ये काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल और काफ़ी ज़्यादा स्टाइलिश लग रहा है। तो बस आज की वीडियो में इतना ही गाइस, मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए एडिटिंग के साथ, तब तक के लिए ख्याल रखिएगा। तब तक की गैलरी में शेयर करने के लिए आपको बता दे रहा हूँ गाइस। तो यहाँ से सिंपली हमको इस वाले आइकन पर आ जाना है और इस वाले आइकन पर आ जाने के बाद हमको यहाँ से सेव वाला ऑप्शन मिलेगा, तो सिंपली हमको यहाँ से कर लेना है प्रेस। और प्रेस करने के बाद गाइस हमको यहाँ पर सेकंड वाला ऑप्शन इस पर यूज कर लेना है, ठीक है। तो सिंपली हमको इस वाले आइकन पर कर लेना है प्रेस। और यहाँ से प्रेस करने के बाद सेव टू गैलरी का ऑप्शन मिलेगा सेकंड नंबर पर, तो सिंपली हमको यहाँ से कर लेना है प्रेस। और प्रेस करने के बाद हमको यहाँ पर जीपीजी का ऑप्शन मिलेगा, तो सिंपली हमको यहाँ से कर लेना है प्रेस। और यहाँ से हमको जो है पीएनजी जो है सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद हमको यहाँ से पिक सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ से देख सकते हैं ये हमारा ओके वाला ऑप्शन पर प्रेस कर लेना है, तो ये हमारा गैलरी में सेव हो जाएगा गाइस। तो जैसे कि देख ही सकते हो ये हमारा बनकर हो चुका है कंप्लीट। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही गाइस, मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नेटिंग के साथ, तब तक के लिए ख्याल रखिएगा अपना। बाय बाय, टेक केयर, लव यू गाइस। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नेटिंग के साथ, तब तक के लिए ख्याल रखिएगा अपना। बाय बाय, टेक केयर।